देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बात है राज्यों को जो संकेत या फिर सरकार की तरफ से संदेश दिए गए हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि जीएसटी लागू कर दिए हैं, 4 टैक्स स्लैब है, लेकिन हम इसको घटा करके 2, फिर आगे चल के सिंगल रेट स्लैब टैक्स स्लैब करेंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा था इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन हैदराबाद के जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी बातें रखी, उससे लगता है कि बहुत जल्द जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब की बजाय 2 टैक्स स्लैब होने जा रहे हैं। एक जो अभी 5%, 12%, 18% और 28% है, उन सबको हटा करके सिर्फ 12 और 18% टैक्स स्लैब में किया जाएगा, यानी जो 28% है उसे घटा करके 18% पे किया जाएगा। तो इस तरह के फैसले जल्द किए जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को साफ तौर से कहा कि आप जो बार बार टैक्स की दरें घटाने की बात कर रहे हैं, वो दरें घटाने की मांग को कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हर चीज पे दरें घटा देते हैं तो फिर आगे चलकर जो 4 के बजाय 2 टैक्स स्लैब हम करना चाहते हैं वैसा करना मुमकिन नहीं होगा। तो केंद्र सरकार के इस संकेत का मतलब साफ माना जा रहा है कि बहुत जल्द जीएसटी का टैक्स स्लैब सरकार कम कर सकती है, 4 से घटाकर 2 कर सकती है। चूंकि जीएसटी के तहत पहले महीने में टैक्स की वसूली अपेक्षा से काफी ज्यादा हुई है, तो टैक्स स्लैब घटाने की गुंजाइश भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।